दोस्तों, आज काफी दुखद दिन है, काफी निराशा वाला दिन है। जी हाँ, आपको बता दें, क्योंकि जो संजय दत्त हैं वो लंग कैंसर से जूझ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो दुखद खबर सामने आई है, संजय दत्त जो हैं वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे 2 दिन पहले। उनको बेचैनी हो रही थी, उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसी के चलते वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जी हाँ, आपको बता दें कि और नेक्स्ट डे ही वो ठीक भी हो गए और उनको छुट्टी मिल गई थी, और उस टाइम पे वो काफ़ी खुश थे। और आपको बता दें कि जो संजय दत्त हैं, अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं, जब भी अपने फैंस के सामने आते हैं, तो वो अपनी जो उनकी खुशी होती है वो कुछ और ही होती है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखा है। जी हाँ, अपने फैंस के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो कुछ टाइम के लिए मूवीज से ब्रेक ले रहे हैं। जी हाँ, वो लिखते हैं कि हाय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आर विद मी एंड आई अर्ज माई वेल विशर्स नॉट टू वरी और अननेसेसरीली स्पेकुलेट। विद योर लव एंड गुड विशेज आई विल बी बैक सून। तो उन्होंने अपने फैंस को बोला है कि निराश ना हो, मैं जल्द वापस आऊँगा और मेरे जो जो भी मेरे शुभ चिंतक हैं वो चिंता ना करे, मैं जल्द वापस आऊँगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो बीमारी है उनकी थर्ड स्टेज पर है, लेकिन ये क्योरेबल है। जी हाँ, ये खुशखबरी है संजय दत्त के फैंस के लिए कि जो थर्ड स्टेज है लंग कैंसर की, लेकिन ये जो बीमारी है ये रिकवर जल्दी हो जाएंगे वो, और ये क्योरेबल है। जी हाँ, और इस बीमारी को इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए। सो इसी के लिए जो हमारे संजय दत्त हैं वो जल्द से जल्द अमेरिका के लिए रवाना होंगे और अपने अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट वहाँ जाके कराएंगे। सो हम सब दुआएं करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आएं और हम फिर से उनको मूवीज़ में देखें और अपने सामने देखें। सो आप क्या कहना चाहेंगे संजय दत्त की वेल विशेज़ के लिए, संजय दत्त की हेल्थ के लिए? हमें कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।